नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूँगा वो है कि जो महिलाओं में सबसे जो ज़्यादा कैंसर होते हैं वे 5 प्रकार के कैंसर होते हैं, मोस्टली 5 प्रकार के। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ कल्चर भी बहुत तरह के हैं। चलिए हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगी हम। 5 तरह के कैंसर है, इसमें सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड है सर्विक्स कैंसर, थर्ड है ओवेरियन कैंसर, फोर्थ है ओरल कैंसर और जो फिफ्थ है लास्ट है कोलोरेक्टल कैंसर। अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊँगा जिससे कि आप आसानी से पहचान सकते हो कि आपको कौन से टाइप का कैंसर है। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर की। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर है ये ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, ना कि गांव में। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। जितने भी केस मिलते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, मैक्सिमम शहरी क्षेत्रों में मिलते हैं, मतलब शहरी जो सिटी है, मेट्रो सिटी है, वहाँ पर ज़्यादा देखी गई है। लक्षण की बात करेंगे, इसमें जो ब्रेस्ट में लंप बन जाएगा, लंप मतलब गांठ बन जाएगी, बहुत बार गांठ में दर्द होता है और बहुत बार गांठ में दर्द नहीं होता है। सेकंड है जो निप्पल है उसमें डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, निप्पल में पेन स्टार्ट हो जाता है और जो डिस्चार्ज है वो वाइट भी हो सकते हैं और येल्लो भी हो सकता है, वो चेक करने पर ही पता चलता है। और ये आप आसानी से खुद भी घर पर रहकर आराम से पता लगा सकते हो। नेक्स्ट है सर्विक्स कैंसर। देखिए, जो सर्विक्स कैंसर है इसमें क्या होता है, इसमें वाइट डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है और जो महिला मीनोपोज के बाद, मतलब जिनकी महावारी बंद हो चुकी है उनको मीनोपोज कहते हैं, उसके बाद भी डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक लक्षण है सर्विक्स कैंसर के। ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा, बार बार ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग बंद हो गई फिर ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये सर्विक्स कैंसर है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। आम भाषा की बात कर रहा हूँ मैं तो, या बच्चेदानी का कैंसर भी बोल देते हैं, ये होती है। और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ क्या होता है, ये लक्षण है कि जो पेशेंट है, जो महिला है, उसको वीकनेस होगी, कमजोरी आएगी, बुखार रहना स्टार्ट हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। थर्ड है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर मतलब जो महिला है उसको क्या होगा, कहते हैं नालों में, जो पेट के जो दोनों साइड है वहाँ पर दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, पेट में गैस बनेगी और पेट में डिस्कम्फर्ट रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं खाती है तब भी पेट में भारीपन रहेगा और ऐसा लगता है कि दोनों तरफ कुछ रखा हुआ है, मतलब महसूस होता है महिला को। आम भाषा में लक्षण कहते हैं कि जो महिला कहती है, ऐसा लगता है कुछ रखा हुआ है, भारीपन रहता है, दबाने से दर्द होता है, ये ओवेरियन कैंसर के लक्षण है। नेक्स्ट है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर। और जो मुंह का कैंसर है, जो मेरे पास महिलाएं आज जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है महिलाओं का, और जिसका मैंने ट्रीटमेंट कर चुका है पास्ट में, और जो प्रेजेंट की बात करूं, जाए 100% उन्हीं महिलाओं का है जो तंबाकू का इस्तेमाल करती है। और जितनी भी पेशेंट आई वे गाँव की है जो मेरे पास आज तक आई, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है जो गांव की महिला में कैंसर ज़्यादा होता है, तो वो मुंह में क्या होगा, छाले हो जाएंगे, पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत बार महिला को देखता है कि खाना भी नहीं खा सकती, पानी निकलने में भी दर्द होता है क्योंकि बहुत मोटे मोटे छाले बन जाते हैं। तो मेनली जो रीज़न है इसका तंबाकू खाने का, मैंने देखा है, क्यों जितनी भी मेरे पास महिला आ रही हैं वे सब भी तंबाकू खाती थी। नेक्स्ट है कोलोरेक्टल कैंसर, जिसको कहते हैं हम पेट का कैंसर, आम भाषा की बात कर रहा हूँ, या बड़ी आंत का कैंसर। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको कभी दस्त लगेगी, कभी कब्ज हो जाएगा, मतलब रेगुलर नहीं रहेगा, कभी 2 दिन दस्त लग गए बहुत तेजी से, फिर कब्ज हो जाएगा, पेट में दर्द रहेगा और पेट में इतना दर्द रहेगा कि पेशेंट चिल्लाएगा, खाने कुछ भी खाएगा, मतलब पहले तो बात भूख नहीं लगती, यदि कुछ भी खाएगा तो पेट में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का खाते पेट में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। और जो पेशेंट है वो बहुत डिस्कम्फर्ट रहेगा, डिस्कम्फर्ट का मतलब बेचैन रहेगा। तो ये जो महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, मेनली 5 तरह के कैंसर होते हैं। यदि आपको कोई ऐसा लक्षण है तो तुरंत नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि होम्योपैथी में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं। मेरे पास बहुत से पेशेंट अभी कैंसर के चल रहे हैं, या तो आप सीधा मुझसे
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर के द्वारा जो स्क्रीन पर है। जो आपने टेस्ट कराए हैं अभी, वे टेस्ट की कॉपी मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं देखूंगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है, हर कैंसर की जो मेडिसिन है वे अलग है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लक्षणों के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। होम्योपैथी क्या है, लक्षणों के आधार पर चलती है। तो यदि आपको इनमें से कोई सा भी कैंसर है, पहली बात आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है, आप निश्चित होकर जो भी आप पर रिपोर्ट है वो मुझे स्क्रीन पर भेज दीजिए, मुझे जैसा भी होगा मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।